महाजनपद काल से मौर्य काल तक की हमने सारी चर्चा की और उन सभी आयामों पर चर्चा की जहां से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं या बन सकते हैं। तो पहले लेक्चर में हमने जो फॉर्मेट तैयार किया था उसमें सारे उन आयामों पर हम चर्चा कर चुके हैं जो महत्वपूर्ण थे महाजनपद काल में और मौर्य काल में। अब समझते हैं कि किस तरीके से प्रश्न बनते हैं इसमें और चर्चा करते हैं कि पिछले 10 वर्षों में जो भी प्रश्न UK SSSC या UP SSSC ने विशेषता पूछे या UPPCS ने प्रश्न पूछे हैं पिछले 10 वर्षों के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं पूरे उसी फॉर्मेट में चलते हुए जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा यही बन जाता है कि जो महाजनपद हैं उनके स्रोत क्या रहे। तो महाजनपद इनके स्रोत के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सबसे पहले। तो जो इनके स्रोत रहेंगे पहला हमें पता होना चाहिए अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय तो और भगवती सूत्र। भगवती सूत्र अभी तो प्रश्न इसी तरीके से पूछा है UP SSSC ने 2011 में कि महाजनपदों का उल्लेख किसमें मिलता है जिसमें भगवती सूत्र से आपका ऑप्शन में था या आपका आंसर था। लेकिन प्रश्न इस तरीके से भी पूछ सकता है कि अंगुत्तर निकाय कौन से धर्म से संबंधित है तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है भगवती सूत्र कौन से धर्म से संबंधित है तो ये जैन धर्म से संबंधित है। प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि भगवती सूत्र या अंगुत्तर निकाय के अनुसार कितने जनपदों का उल्लेख मिलता है तो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन से महाजनपद हैं निम्नलिखित में से कौन कौन से महाजनपद थे या निम्नलिखित में से कौन कौन से मुख्य महाजनपद थे। तो उसमें से हमें सबको नहीं देखना है जिनकी हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी बस उनको एक बार से विवरण में देख लेना है। उसके बाद आपका एक है अस्मक। अस्मक ये इसलिए पूछा गया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है UPSC 2013 में क्योंकि एकमात्र आपका महाजनपद था जो कहां था नर्मदा घाटी के दक्षिण में था। नर्मदा घाटी के दक्षिण में था। प्रश्न यही पूछा है निम्नलिखित महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद नर्मदा घाटी के दक्षिण में था। देखो 16 महाजनपद थे 16 में से 15 के 15 महाजनपद नर्मदा घाटी के उत्तर में मिलते हैं लेकिन अस्मक नर्मदा घाटी के दक्षिण में मिलता है इसलिए यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है महाजनपद काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो हमें सीधा पता है पंचमार्का सिक्का इसको आहत सिक्का भी कहते हैं तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होता है पंचमार्का सिक्का या आहत सिक्का ये भी आपका प्रश्न पूछा है। तो ये हमारे महाजनपद काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की आपकी नगर नियोजन और जो आपका जल संरक्षण था जल संचयन वो प्रमुख विशेषता थी ऐसे इनकी पंचमार्का सिक्का और आहत सिक्का विशेषता थी। ऐसे हमारी वैदिक काल में क्या विशेषता रही थी कि कृषि ने जो लाक्षणिक विशेषता लेती थी और जनपद जो है महाजनपदों में बनने लगे थे। ऐसे ही उसमें जो अगला है कि महाजनपद हैं और उनकी राजधानियां हैं जो इतने ज्यादा पूछे नहीं जाते लेकिन कभी कभी सीधे आपसे मैचिंग करने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप एक बार महाजनपद और उनकी राजधानी देख सिर्फ एक बार देख लेंगे उसमें कुछ इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन बना है बिंबिसार ने किस बिंबिसार ने किस वैद्य को चंड प्रदोत के उपचार के लिए भेजा था। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था जीवक थे ये एक वैद्य थे जिनको बिंबिसार ने चंड प्रदोत के पास भेजा था। तो महाजनपद काल से संबंधित प्रश्न है इसलिए पूछा गया है तो इनका हमें नाम याद रखना है जीवक। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि आपका जो मगध था ये इतना ज्यादा फेमस ये इतना ज्यादा शक्तिशाली कैसे हुआ। तो सीधा सा ऑप्शन दे रखा है लोहो की खानों का होना लोहो होना या फिर आपसे और भी पूछ सकता है कृषि का भी उसमें ऑप्शन दे सकता है इसमें तो सिर्फ यही दिया लोहो को हमें कृषि भी दे सकता है तो हमें दोनों पे चर्चा करनी है दोनों को देखना है। उसके बाद है कि गौतम बुद्ध और बिंबिसार के समकालीन शासक निम्नलिखित में से कौन था। निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध और बिंबिसार के समकालीन शासक कौन था तो यह आपका उदयन था
इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। समकालीन शासक कौन कौन से थे, पहले मगध पढ़ेंगे हम, पूरे राज्य राजधानी पढ़ेंगे, एक फॉर्मेट बना ले अपना और उसमें रास्ते से राजधानी और जो प्रमुख शासक हुए उनमें से कौन कौन किसके समकालीन थे उनको देख लें, तो कोई प्रश्न नहीं बचेगा। अस्मक के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं जो दक्षिण भारत में था, और इसकी जो स्थापना थी वो इक्काबुक वंश ने की थी, इसमें बस इतना और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, सिर्फ हमें यही देखना है। उसके बाद हमें देखना है कि गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहाँ थी। प्रश्न यह है गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कौन से महाजनपद में थी, तो गणतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली थी वो आपके बज्जी में थी। इससे क्या मतलब है, इससे ये मतलब होता है कि यहाँ पर जो सारे निर्णय होते थे वो सबकी सर्वसम्मति से लिए जाते थे और उन पर वोटिंग की जाती थी, मतलब वोटिंग की जाती थी यानी कि मत के आधार पर सारा कुछ वहां पर व्यवस्था की जाती थी, तो बज्जी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बज्जी पे कभी कभी एक प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि ये 8 संघों से मिलकर के बना था, तो ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद था जो 8 संघों से मिलकर बना था, और यही वही है जो जिसमें से एक संघ लिच्छवी भी था, तो उसको याद रखेंगे जहां पे महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। उसके बाद कुछ ऐसा खास है नहीं, गांधार को याद रखेंगे, गांधार वैसे भी आपका उत्तर पश्चिम में पड़ता है, तो गांधार जो अभी के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में आता है, तो गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, तो गांधार में ही आगे चल के जब हम कला और संस्कृति पढ़ेंगे तो गांधार कला विकसित हुई, तो गांधार कला में ना क्या परिवर्तन था, गांधार मूर्ति कला कैसे विशेष थी मथुरा कला से या अमरावती कला से, उन चीजों को बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध पर सर्वप्रथम हर्यक वंश का शासन था, तो इसमें जो कि आपके कई सारे हैं, तो इसमें आपका दीप जो दीपद्वान है और आपका दीप वंश है, महावंश, ये कई सारे हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, उन्होंने उस चीज का वर्णन किया है। उसके बाद आपका प्रश्न है कि महाजनपद काल में विशेषता जो उन्होंने, सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं, बिंबिसार के बारे में पूछा है कि बिंबिसार की जो नीति थी अपने साम्राज्य प्रसार की वो क्या थी, तो इसमें देखो युद्ध ये सारी चीजें तो थी लेकिन मुख्य क्या थी, जिस रीति पर हमने पहले भी चर्चा की थी, वैवाहिक संबंध बनाना, तो इन लोगों ने बहुत ज्यादा वैवाहिक संबंध बनाए और उस तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यही है, प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के शासनकाल में हुई, प्रथम बौद्ध संगति के बारे में पूछा है, हम तो एक चर्चा पहले बौद्ध धर्म के टाइम में भी कर चुके हैं, तो ये अजातशत्रु के टाइम में प्रथम बौद्ध संगति हुई, और ये आपका प्रश्न UPPSC यानी कि UPPCS ने पूछा है, तो प्रथम बौद्ध संगति किसके टाइम में हुई, अजातशत्रु के टाइम में। इसी टाइप से और आपका जो नेक्स्ट इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है वो यही पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी के रूप में किसने बनाया, तो पाटलिपुत्र को जो अपनी राजधानी के रूप में बनाया वो उदयन ने बनाया, बस तो उदयन था। उसके बाद है कि बौद्ध ग्रंथों में उदयन को किस नाम से पुकारा गया है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, UPSSC ने ये पूछा है कि बौद्ध ग्रंथों में उदयन को किस नाम से पुकारा गया है, तो बौद्ध ग्रंथों में जिस नाम को पुकारा गया है इसको पितृहंता के नाम से पुकारा गया है, पितृहंता। क्वेश्चन इसका उल्टा भी बन सकता है, यह भी पूछा जा सकता है कि पितृहंता किसके लिए उपयोग में लाया गया नाम था, तो पितृहंता उदयन को पूछा गया है, ये UPSSC ने आपका प्रश्न पूछा है 2013 में, तो पितृहंता ध्यान रखेंगे। उसके बाद है उदयन ने किस धर्म को संरक्षण दिया, तो जैसा हमें पता है इसने जैन धर्म को संरक्षण दिया था, जैन धर्म को। प्रश्न आपका पूछा है शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी, मेरे हिसाब से बहुत ही सरल प्रश्न है, सीधा इसको लिखने की जरूरत नहीं है, शिशुनाग ने ही शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, और बाद में जो इनके उत्तराधिकारी हुए कालाशोक वो काफी फेमस हुए और उन्होंने दूसरी बौद्ध संगति भी कराई, आपको ध्यान होगा जिसपे हम चर्चा भी कर चुके हैं। और महापदम जो महापदम नंद है उन्होंने कालाशोक की हत्या की, ऐसा पता चलता है हर्षचरित्र की, जो उसने हर्षचरित्र लिखा था हर्षचरित्र अनुसार, तो उस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। उसी क्रम में जो आपका प्रश्न है अगला वो ये है
कि महाजनपदों के उदय के क्या कारण थे। ऑप्शन है आपके, कृषि का विस्तार, युद्ध तथा विजय की प्रक्रिया में वैदिक जातियां आनार्यों के संपर्क में आई। तीसरा ऑप्शन है आपका, कुछ महाजनपद अपनी आंतरिक सामाजिक राजनीतिक संरचना में होने वाले परिवर्तनों के कारण विकसित हुए, या उपरोक्त सभी। तो सीधा सीधा हमें पता है, हमने पहले ही चर्चा किया था कि उपरोक्त सभी ऑप्शन है, और ज्यादातर ऐसे प्रश्नों में उपरोक्त सभी ऑप्शन हो जाता है, अगर देख के पढ़े तो लगभग लगभग सभी एक दूसरे से लिंक करते हैं। नेक्स्ट है, महाजनपदकालीन प्रशासन कैसा था। तो महाजनपदकालीन जो प्रशासन था कैसा था, उसमें देखना है कि इसमें क्या था, राज्य एवं राजा आधारित। आप इसको हम देख सकते हैं, राज्य एवं राजा आधारित, यही आपका ऑप्शन में भी दे रखा है। इस प्रकार का आपका प्रश्न था, सबसे ऊपर राज्य को रखा जाता था और राज्य का प्रमुख राजा होता था, उसके जैसे हमने बाद में चर्चा की थी राज्य प्रांतों में बंटा होता था, इस तरीके से नीचे की जो श्रेणियां बनी थी। उसके बाद है महाजनपद काल में जो प्रशासन, महाजनपदकालीन प्रशासन था, सॉल्किक शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता था। तो सॉल्किक शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता था, तो सॉल्किक का हमें पता होना चाहिए, जो व्यापारियों से कर वसूलते थे ये व्यापारियों से, तो इनके लिए सॉल्किक शब्द का यूज किया जाता था। उसके बाद है कि ग्रामीणी शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता था, तो ये ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी होता था, ग्रामीणी से ही इसको पता चल रहा है, तो सीधे सीधे हम उसको ध्यान रखेंगे। और आपका हमने पहले जो महाजनपदकालीन समाज था उसमें हम देख चुके थे कि यहाँ पे जो पहले गंधार विवाह वगैरह, प्रेम विवाह वगैरह थे, उनको अनुमति मिली हुई थी, जो हमने वैदिक काल में पढ़े थे, कुछ चीजें उन्होंने वहां से अपनाई थी, बहुविवाह का प्रचलन था, ये सारी चीजें। उसके बाद हम महाजनपदकालीन धर्म को एक बार देख लेते हैं। महाजनपदकालीन धर्म पे सिर्फ एक प्रश्न पूछा है कि महाजनपदकालीन धर्म में क्या विचार था, लेकिन हम उस पर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो सीधा यही है, महाजनपदकालीन धर्म में बौद्ध धर्म और जैन धर्म को जो है बढ़ावा दिया गया, लेकिन ब्राह्मण जो था, ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मणिज्म को भी बढ़ावा दिया गया, तो तीन ही धर्म थे। उसके बाद है आजीवक संप्रदाय। तो आजीवक संप्रदाय से कुछ ऐसे प्रश्न ज्यादा पूछे नहीं गए हैं, इसमें सिर्फ ये पूछा है कि इसका वास्तविक संस्थापक कौन था। तो हमें पता होना चाहिए मखली गौसाल, बस इतना इसमें देखना है हमें, मखली गौसाल इसका वास्तविक संस्थापक था आजीवक संप्रदाय का, और कुछ इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न इनके अनुसार बने नहीं है। उसके बाद आपका यही है कि लोकायत दर्शन किससे संबंधित है। सीधा सीधा आपको ऑप्शन में दिया है लोकायत दर्शन किससे संबंधित है, तो सीधे इसके आगे आपको ऑप्शन दे रखा है चारवाक, तो चारवाक से संबंधित है। कौन से ऋषि से संबंधित है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वाइदा में, तो बृहस्पति। उसके बाद है मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाता है, ये किस प्रक्रिया को दर्शाता है। नीचे सीधा ऑप्शन दे रखा है आपका उच्छेदवाद, तो यहां से हमें पता होना चाहिए कि उच्छेदवाद का क्या मतलब है, कि मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता, आत्मा नहीं होती, यानी को देखा जाए कहीं ना कहीं भौतिकवादीयता को प्रदर्शित करता है, और जो लिंक करता है लोकायत से। तो भौतिकवादीयता क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि लोकायत किस प्रकार का था, तो दर्शन तो भौतिकवादीयता की हो जाता था, ठीक है। उसके बाद इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जो हमने विदेशी आक्रमण में पहले देखा था, वो हम पहले ही पढ़ चुके थे कि पारसी आक्रमण हुआ है, जिसको ईरानी आक्रमण भी कह सकते हैं। प्रश्न यही पूछा है यूपी ट्रिपल एससी 2017 में कि सर्वप्रथम जो भारत पर विदेशी आक्रमण था किसका था, तो हमें सीधे सीधे आंसर पता होना चाहिए साइरस सेकंड, जो टेरियस का उत्तराधिकारी था। उसके बाद है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया, सीधा सीधा सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया, कुछ पूछा भी नहीं, सीधे डेट पूछ लिए। तो हमने पहले ही कल पढ़ चुके हैं 326 ईसा पूर्व। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सिकंदर के आक्रमण के समय किस शासक का शासन था, तो हमें पता होना चाहिए घनानंद मगध के शासक थे उस समय, और घनानंद किसके उत्तराधिकारी थे, महापद्म नंद के, जिन्होंने नंदवंश की स्थापना की थी। ये भी पूछ सकता है कौन सा वंश उस टाइम मगध पर शासन कर रहा था, तो नंदवंश। तो इस तरीके से आपसे कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाकी ये भी पूछ सकते हैं कि सिकंदर कौन से दर्रे से होकर के भारत आया था, तो खैबर दर्रे से। उसके बाद आपसे और कुछ खास ऐसा उसमें प्रश्न पूछा नहीं गया विदेशी आक्रमण में। उसके बाद एक प्रश्न था जिसमें हमने कल भी चर्चा की थी कि कौन कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। तो एक तो सीधा क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से किस शासक ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया,
तो ये आपके थे राजा आम भी, इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था सिकंदर के समक्ष। और बहुत ही अच्छा प्रश्न ये आपसे पूछा था यूपी पीएससी ने 2014 में। उसके बाद है नेक्स्ट, ये तो ठीक है प्रश्न आमी ने बन चुका है, लेकिन हमने कल एक बार और चर्चा की थी जो अश्वक जनजाति होती थी, तो उनके जो कबीले होते थे तो उनके जो सरदार होते थे अश्वक, उन्होंने भी जो है आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद है पौरुष, पौरुष ने आत्मसमर्पण नहीं किया, इन्होंने काफी युद्ध लड़ा और सिकंदर इनसे खुश हुआ और बाद में इन्होंने सारा अपना इनका जो साम्राज्य था वापस कर दिया। तो प्रश्न यही पूछा गया, निम्नलिखित में से किस शासक को पराजित करने के बाद सिकंदर ने उसके उससे खुश होकर के उसका साम्राज्य वापस लौटा दिया, सीधा सीधा पौरुष हो जाता है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन दोनों का युद्ध कौन सी नदी के बीच हुआ, तो हमें ये भी पता होना चाहिए, तो झेलम और चिनाब के बीच हुआ। क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, मेरा मानना है कि ये पूछा भी जा सकता है, झेलम और चिनाब, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। झेलम और चिनाब के बीच इन दोनों का युद्ध हुआ, सिकंदर का और पौरुष का। बाकी जो प्रक्रिया थी युद्ध की, सिकंदर क्यों आगे नहीं बढ़ पाया, सिकंदर की सेना क्यों वापस लौट गई, उस सब में हम पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद है कि देखो सिकंदर पे एक प्रश्न और बनता है बड़ा अच्छा, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बनता है, जैसे कि जनरली वो यूपीएससी या पीसीएस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसका जन्म कहीं और हुआ, मृत्यु कहीं और हुई और उसको दफनाया कहीं और गया, तो वो सिकंदर ही था। तो यूनान में उसका जन्म हुआ और मृत्यु उसकी बेबीलोन में हुई और उसको दफनाया अफ्रीका में गया, तो इसलिए उस चीज को भी हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद मौर्य काल से संबंधित क्या क्या प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, महाजनपद काल से तो ये प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट है जो पिछले 10 वर्षों में पूछे गए। मौर्य काल से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं वो तो पहले यही हो सकता है कि मौर्य काल का हमें जो वर्णन मिलता है कहाँ कहाँ से मिलता है, तो वही फिर हमारे बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, इस तरीके से पहले ये प्रश्न बना सकते हैं आपसे। तो दीपवंश, महावंश और कल्पसूत्र जैन धर्म से हुआ और बौद्ध धर्म से आपके दीपवंश महावंश हुए, इनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी तो अशोक के हमें अभिलेख मिलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख मिलते हैं, इन सब के अभिलेख मिलते हैं, यहाँ से भी हमें मौर्य काल का पता चलता है। उसके बाद सबसे अच्छा जो अगर देखा जाए तो उस समय का जो लिखा हुआ है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, तो पहला प्रश्न आपका यही बनता है जो सभी लगभग लोगों सभी एग्जामों में पूछा है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा, तो अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा, ध्यान रखें। ये आपको कई सारे नामों से देखने को मिल सकता है, यहाँ पे विष्णुगुप्त भी हो सकता है, विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम था, चाणक्य भी इन्हीं का नाम था, कौटिल्य भी इन्हीं का नाम था। तो अर्थशास्त्र, कभी कभी प्रश्न ये भी बनता है कि अर्थशास्त्र की अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित था, तो अर्थशास्त्र का मतलब ये नहीं है कि अर्थशास्त्र आ रहा है तो ये जो है अर्थशास्त्र पे ही आधारित होगा, नहीं, ये प्रशासन कैसा होगा और सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी होंगी उस सब पे आधारित था, बाकी राज व्यवस्था पर भी आधारित था, ये सारी राजकीय और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर आधारित था, तो इस चीज पे बिल्कुल क्लियर रखेंगे। उसके बाद है कृषकों की क्या इंडिका के अनुसार, मेगस्थनीज की इंडिका मेगस्थनीज ने लिखी थी, यहाँ पर सिर्फ लिखा है कि इंडिका के अनुसार कृषकों की क्या स्थिति थी, तो वहां पे लिख रखा है कि कृषकों की स्थिति बेकार थी या कृषक संपन्न थे या स्थिति सामान्य थी या वो करके वो से नीचे दबे थे, तो स्थिति संपन्न थे, मतलब जो कृषक थे वो संपन्न थे, ऐसी कोई समस्या नहीं थी। यहीं से प्रश्न बहुत सारे बन सकते हैं, उस समय कृषक संपन्न थे, लोगों को इतना एक दूसरे पर विश्वास था कि घरों में वो ताले तक नहीं लगाते थे, जरूरत नहीं होती थी, और एक प्रश्न शायद पूछ लिया जाए कभी, उस टाइम पे जो ऋण दिया जाता था उस पे लोग ब्याज भी नहीं देते थे, तो ये आपका हुआ। उसमें बाद है मौर्यकालीन राजाओं से संबंधित आपसे प्रश्न बन सकते हैं, तो हमने पहले ही देखा था प्रश्न ये बन सकता है कि मौर्य जो आपका साम्राज्य प्रारंभ हुआ तो उसकी स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने की, किसकी सहायता से की, कौटिल्य की सहायता से ही, किसको हरा कर की, घनानंद को हरा कर की, इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। उसी प्रकार से आपका प्रश्न बन सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन कौन सा विदेशी शासक था, तो सेल्यूकस था। असल में सेल्यूकस क्या था कि सिकंदर का गवर्नर था, सिकंदर की मृत्यु के बाद क्या होता है कि वहां का जो शासक वास्तविक शासक बन जाता है वो सेल्यूकस बन जाता है, और सेल्यूकस का जो है ऐसा वर्णन मिलता है दीपवंश और महावंश के अनुसार कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ बहुत ज्यादा युद्ध होता है और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य से जीतने पराजित होने के बाद सेल्यूकस उनसे संधि कर लेता है और अपनी बेटी हेलेना की शादी उनसे कर देता है, तो विवाह संबंध जैसे हमने पहले ही देखा था, तो हेलेना से
क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हेलेना कौन थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी। उसके बाद है जूनागढ़ का अभिलेख किसने लिखवाया। अब अभिलेखों पर चर्चा आ जाती है, तो जूनागढ़ का अभिलेख किसने लिखवाया, जूनागढ़ का अभिलेख, जूनागढ़ जो भी गुजरात में, इसको गिरनार अभिलेख भी कहीं कहीं लिखा है, तो ये आपका रुद्रदामन ने लिखवाया, इसको हम ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है, और यहां से एक प्रश्न और भी बन सकता है जूनागढ़ के अभिलेख से, चंद्रगुप्त का जो पहला नाम है चंद्रगुप्त मौर्य का, वो चंद्रगुप्त नाम जूनागढ़ अभिलेख से ही मिलता है, ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार, तो उनसे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि अमित्रघात जो यूनानी थे, यूनानियों ने अमित्रघात नाम किसको दिया, तो यूनानियों ने जो अमित्रघात नाम दिया वो बिंदुसार को दिया, अमित्रघात नाम दिया यूनानियों के द्वारा आपके बिंदुसार को। और बिंदुसार के बारे में एक ये भी फैक्ट याद रखेंगे कि इन्होंने दक्षिण कोर को साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार किया। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका अगर मौर्य काल में कोई हो जाते हैं तो वो सम्राट अशोक, सम्राट अशोक के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अशोक महान हुए। पहले तो ये चीज याद रखेंगे कि भारत के इतिहास में तीन ही महान हुए, सिकंदर महान, अशोक महान और अकबर महान, तो तीनों महानों का नाम याद रखेंगे, उसके बाद हम अशोक महान से याद रखेंगे। तो अशोक के माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, ये सारे टाइप के प्रश्न अब नहीं बनते, फिर भी एक बार अगर आप कहीं से चाहे तो देख सकते हैं। अब बाकी तो हमें पता ही है कि अशोक बिंदुसार के पुत्र थे, उसी तरीके से अब इसमें जो मेन मेन क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, वो क्या है। तो ये पहला प्रश्न यही है कि निम्नलिखित में से किसकी सहायता से अशोक ने अशोक का राज्याभिषेक हुआ, तो राधागुप्त की सहायता से, राधागुप्त थे, राधागुप्त की सहायता से अशोक को साम्राज्य प्राप्त हुआ और ये राजा बने। अगर कुछ जातक कथाओं की माने जाए, जातक जिसमें भगवान बुद्ध की पुनर्जन्मों की वर्णन किया गया, तो कुछ जातक कथाओं के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों का कत्ल किया उसके बाद वो राजा बने, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा ऐसे साक्ष्य नहीं मिलते। बिंदुसार जो थे अपने बड़े पुत्र को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन राधागुप्त की सहायता से अशोक राजा बन जाते हैं। उसके बाद है, राज्यारोहण के पूर्व अशोक निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का शासक था, तो उज्जैन, अवंती और तक्षशिला, याद रखेंगे तक्षशिला और आपका उज्जैन जिसको अवंती भी कहते थे, तक्षशिला उज्जैन जिसको अवंती भी कहते थे, यहाँ का प्रांतीय शासक था। जैसे सॉरी हमने पहले ही चर्चा की थी कि किस तरीके से राज्य उस टाइम में बटा हुआ था, प्रशासन प्रणाली कैसी थी, तो वहां पे प्रांत में जो आपके राजकुमार होते थे उनको प्रांतीय गवर्नर बना दिया जाता था, तो अशोक तक्षशिला और उज्जैन के गवर्नर थे। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन मिल सकते हैं। क्वेश्चन है, यूपीटर पलेसी ने 2016 में क्वेश्चन पूछा, राज्य अभिषेक के कौन से वर्ष अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की, तो आठवें वर्ष कलिंग विजय प्राप्त की। उसके बाद प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, ये तो ठीक है कि आठवें वर्ष प्राप्त की, कलिंग आक्रमण के समय वहां का राजा कौन था, तो नंदराज था, ठीक है नंदराज था, लेकिन इसका वर्णन भी तो कहीं से मिल सकता है, ये भी तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि कलिंग युद्ध के आक्रमण के समय वहां कलिंग का राजा नंदराज था, ये वर्णन कहां मिलता है, तो याद होना चाहिए हाथी गुम्फा अभिलेख। क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है, हाथी गुम्फा का अभिलेख किसने लिखवाया, तो ये खारवेल ने खुदवाया, तो इस टाइप के भी प्रश्न बन सकते हैं, इनको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है, अशोक का राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहीं था, तो बिल्कुल असम, जिसमें हमने कल भी चर्चा की थी, असम के बारे में मतभेद है, बाकी कश्मीर आपका अफगानिस्तान और ये वाला सारा क्षेत्र नेपाल, ये सारा क्षेत्र अशोक के शासनकाल में था। उसके बाद है, बिंदुसार हमारा हो चुका था, कलिंग युद्ध में जो भीषण नरसंहार हुआ था उसके बाद अशोक ने जो है बहुत ज्यादा लगभग लाखों की संख्या में वहां पर सैनिक मारे गए थे और अशोक ने संन्यास ले लिया युद्ध से और बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की, जैसा कि हमने पहले लेक्चर में भी इस चीज पे चर्चा की है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि इसका वर्णन कहां से मिलता है, तो 13वें शिलालेख से मिलता है। उसके बाद है, शासनादेश खुदवाए थे, इसको मुझे लगता है पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें वैसे ही पता होना चाहिए कि अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने शासनादेश खुलवाए। अशोक का जो धम्म था, धम्म क्या था, धम्म को देखो पाली भाषा में धम्म अगर उसको
हम संस्कृत भाषा में देखें तो उसको धर्म बोलते हैं, तो धर्म से मतलब धर्म से ही है, सीधा हम देख लेंगे। और बाकी ऐसा कुछ है नहीं। क्वेश्चन ऐसा जरूर रहता है कि अशोक महेंद्र और क्वेश्चन है, हाँ महेंद्र और संघमित्रा से आप क्या समझते हैं, तो ये अशोक के पुत्र और पुत्री थे जो श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गए थे। बाकी और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। अशोक के जो आर्य सत्य के बारे में बताया जाता है वो ये बताया जाता है, जो बौद्ध धर्म को अशोक ने बहुत ज्यादा समर्थन तो दिया, लेकिन जो कहा जाता है कि अशोक ने जो चार आर्य सत्य थे उनको नहीं माना, ऐसा वर्णन मिलता है, और इसीलिए उसने जो अष्टांगिक मार्ग का भी कहीं वर्णन नहीं किया है। तो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी बन सकता है कि क्या अशोक के जो आपके शिलालेख है उन पर अष्टांगिक मार्ग का वर्णन मिलता है, तो वो नहीं मिलता है। तो ऐसा आप साफ भी नहीं कह सकते कि वहां पे अगर वो नहीं मिलता है तो वो नहीं मानता था, लेकिन ऐसा मत है कि वो नहीं मानता था। तो बाकी जो शिलालेख थे हमें पता ही है, स्तंभ लेख होते थे या शिलालेख होते थे या गुफाओं में वो लिखे हुए उकेरे जाते थे, ऐसा कुछ था नहीं। बाकी जो लिपि थी आपसे पूछी जा सकती है, जैसे खरोष्टी लिपि कहाँ बोली जाती थी, तो जो अभी का पाकिस्तान है उस समय का गांधार रीजन था, तक्षशिला रीजन था, वहां पर आपकी खरोष्टी लिपि बोली जाती थी। अरेमाइक लिपि का उपयोग क्या होता था, जो अफगानिस्तान वाला रीजन है वहां पर अरेमाइक लिपि में मिलते थे। इस तरीके से आपसे लिपि भी पूछी जा सकती है। सबसे अच्छा प्रश्न यही है जो आपका यूपीपीसीएस ने भी पूछा है, यूपीपीएससी और UP SSSC ने भी पूछा है, और UK SSSC ने भी पूछा है कि सर्वप्रथम जो अशोक की लिपि थी, जो अशोक के शिलालेख थे उनको जो है डिकोड किसने किया, मतलब किसने उनको पढ़ा, तो जॉन्स प्रिंसेप, इनको याद रखेंगे, जॉन्स प्रिंसेप ने इसको सबसे पहले पढ़ा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने किस अभिलेख को दिल्ली मंगवाया था, तो इसने टोपरा अभिलेख को, मेरठ का टोपरा अभिलेख कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरठ टोपरा अभिलेख को इसने दिल्ली मंगाया, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है कि मेरठ टोपरा अभिलेख को किसने दिल्ली मंगाया, फिरोज शाह तुगलक ने, या फिरोज शाह तुगलक ने कौन से को मंगाया, मेरठ टोपरा को, इस तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसी से संबंधित क्वेश्चन अगर एक और देखें तो एक जो आपका इलाहाबाद वाला अभिलेख था उसको कौसाम्बी, जो कौसाम्बी में था उसको इलाहाबाद शहर में किसने मंगाया था, तो जहांगीर ने मंगाया था। इसको भी हम यहीं पे देख लेते हैं, इलाहाबाद वाले अभिलेख को जहांगीर ने मंगाया था, जहांगीर ये याद रखेंगे। उसके बाद है अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, तो रुमनीदेही का अभिलेख, रुमनीदेही अभिलेख, ये अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख है अशोक का, इस चीज पे ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसमें जो और प्रश्न है अगर देखा जाए तो उसमें और कुछ इंपॉर्टेंट शिलालेखों से बनते नहीं है, बाकी आपके वही है कि अहिंसा का वर्णन कहाँ से मिलता है और जीवों पर दया का वर्णन कहाँ से मिलता है और अशोक की कलिंग विजय का वर्णन कहाँ से मिलता है या अशोक को प्रियदर्शी नाम से कहाँ दर्शाया गया है, तो इस टाइप के हमें वर्णन मिलते हैं, तो उनको एक बार देख लेंगे। तो पहला शिलालेख हम सीधे सीधे चर्चा कर लेते हैं उस पर। पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा करता है, दूसरा शिलालेख मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा पर चर्चा करता है, इसी टाइप से जो है उन पर मुख्य मुख्य देख लेते हैं। तेरहवा शिलालेख जिसमें हमने चर्चा की कलिंग विजय की चर्चा करता है, जिसमें जो है अशोक बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है बहुत ज्यादा सैनिकों की मृत्यु को देख करके और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है। उसी तरीके से पूछा गया 14वां अभिलेख उसमें क्या था, तो इसमें जनता को जो धार्मिक जीवन बिताने के लिए वो बिताने के लिए प्रेरित करता है, इस तरीके के प्रश्न पूछे गए। और बाकी हम मेरठ टोपरा प्रयाग इन स्तंभों की हम चर्चा कर चुके हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो सांची स्तंभ लेख कहां पर प्राप्त कहां पर है, सिर्फ सीधे सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, सांची शिलालेख कहां पर है, तो इसने जगह पूछा है हमें पता होना चाहिए, रायसेन मध्य प्रदेश, उसने तो पूछा भी सिर्फ ये कि कौन से स्टेट में है, तो मध्य प्रदेश में, लेकिन हमें जगह का भी पता होना चाहिए, जगह भी हमसे पूछी जा सकती है, तो रायसेन, रायसेन। उसके बाद एक प्रश्न और पूछा है सारनाथ स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये वाराणसी से प्राप्त हुआ है, उत्तर प्रदेश से। सीधे सीधे ऐसे छोटे छोटे प्रश्न भी पूछे हैं, तो उनको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। उसके बाद है अशोक के जो लघु शिलालेख थे, हमने देखा सबसे छोटा तो रुमनुई देही था, उसी तरीके से और अशोक के उत्तराधिकारी कौन कौन से थे, जैसे कुणाल हुआ, दशरथ हुआ, बृहद्रथ हुआ, हमने बाद में चर्चा भी की थी कि जो सबसे अंतिम शासक था मौर्य काल का वो कौन था, बृहद्रथ था, इसको देव वर्मा भी कहते थे, इसलिए उससे कंफ्यूज नहीं करेंगे।
बाकी और जो थे मौर्य काल से आपके प्रश्न जो इम्पोर्टेंट बन सकते थे वही हमने देखा। पंचमार्क का सिक्का यहाँ पे चलता था और सिक्कों का क्या यूज होते थे, मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, इन पे हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, प्रशासन पे हम इसकी चर्चा कर चुके हैं क्वेश्चंस के, तो यहाँ से कोई क्वेश्चन बनना नहीं चाहिए। ध्यान रहे इनका केंद्रीय प्रशासन था। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ ले सकते हैं कि प्रशासन की विशेषता क्या थी, तो राज्य और राजा पर विशेषता थी। राज्य और राजा का मतलब भी क्या है कि केंद्रीय प्रशासन था, ऐसा भी लिखा आ सकता है, तो केंद्रीय प्रशासन पे रहे। उसके बाद है कि जैसा हमने देखा था कि सौलिक क्या था, इस तरीके से आपसे नामों को पूछे जा सकते हैं, जैसे आटविक क्या होता है, तो वन विभाग का संरक्षण करता था या लेखा जोखा रखता था। कार्मांतिक पूछा जा सकता है, उद्योग धंधों का जो देखता था, आटविक है वन विभाग का, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। उसके बाद प्रांतीय शासन प्रशासन के बारे में, आप प्रांतीय शासन प्रशासन के बारे में ये प्रश्न है, तो यह है कि मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में हम देखें तो ये 5 प्रांतों में विभाजित था, 5 प्रांतों में। इसे कंफ्यूज ना करें 16 महाजनपदों से, क्योंकि दूसरा ऑप्शन 16 महाजनपद ही है। अभी क्या किसकी बात चल रही है, महाजनपद काल की नहीं, मौर्य साम्राज्य, तो ये 5 प्रांतों में विभाजित था। जैसे हमने चर्चा की थी कि प्रांतों में अपने गवर्नर्स को भेजते थे जो राजपुत्र होते थे, जैसे अशोक आपका तक्षशिला और उज्जैन का शासक था। उसी के अगर क्रम में आगे प्रश्न देखें तो स्थायी प्रशासन वगैरह वही है, रज्जुक क्या होते थे, युक्त क्या होते थे, तो ये भूमि सर्वेक्षण से इनका संबंध रहता था इस तरीके से। बाकी है सप्तांग सिद्धांत किसने दिया, क्वेश्चन पूछा गया है UPSC 2018, सप्तांग सिद्धांत किसने दिया, तो सप्तांग सिद्धांत आपका कौटिल्य ने दिया। और ये कहाँ दिया है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र में। प्रश्न ऐसे भी दिया जा सकता है कि सप्तांग कौन सी पुस्तक से संबंधित है, अर्थशास्त्र से, अर्थशास्त्र ग्रंथ से, सॉरी कौन से ग्रंथ से संबंधित है, किसने लिखा, कौटिल्य ने लिखा। उसके बाद इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न और हो सकता है वो आपका हो सकता है कि कर का कितना भाग लिया जाता था, जो तो इसमें सीधा सीधा भाग है कि जो कृषि योग्य भूमि होती थी उनपे 1/6 भाग लिया जाता था, इस तरीके से हो जाते थे। और जहां पर इन्होंने सिंचाई की व्यवस्था की थी वहां पर कर को 1/3 भाग कर दिया गया था। तो बस यही है। बलि क्या होता था, एक धार्मिक कर था, क्वेश्चन पूछा गया है आपका बलि क्या है, बलि से आप क्या समझते हो, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। अगर करों में सबसे ज्यादा पूछा जाता तो बलि पूछा जाता है, ये एक तरीके का धार्मिक कर था, एक तरीके का धार्मिक कर था, बस इतना याद रखना है। भाग क्या था, ये सबसे महत्वपूर्ण कर का भाग था जो 1/6 लिया जाता था, जैसे हम लोगों ने पहले ही चर्चा की। उसके बाद है शुल्क क्या था, ये एक तरीके का सीमा कर था इस तरीके। और रज्जुक कर क्या था, जो भूमि के माप हेतु था, भूमि की माप करने वाले को हम रज्जुक कहते थे, रज्जुक अधिकारी, और वो रज्जुक कर होता था। इस तरीके से हम पहले ही इन चीजों पर चर्चा कर चुके हैं। मौर्यकालीन समाज पे हम देख चुके हैं स्त्रियों की दशा क्या थी, तो पुनर्विवाह की जो हमने देखा था, पुनर्विवाह के बारे में उसमें देख लेंगे। और जो उम्र थी वो देख सकते हैं, न्यूनतम उम्र थी 12 वर्ष महिलाओं के लिए, ये सारी चीजें। और एक चीज याद रखना, दहेज प्रथा का प्रारंभ हो गया था, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह मौर्य साम्राज्य में था, तो जो उत्तर मौर्य काल था, जब मौर्य काल समाप्त हो रहा था और उत्तर मौर्य काल स्टार्ट हो रहा था, तो दहेज प्रथा लोगों प्रारंभ हो चुकी थी। और इसमें शिक्षा के केंद्र जो के बारे में प्रश्न पूछा रहा है, तो उसके बारे में हम देखेंगे, तो तक्षशिला की जो हम बार बार वर्णन कर रहे हैं, जहाँ का अशोक जो है गवर्नर भी रहा था, तक्षशिला उस समय शिक्षा का मौर्य साम्राज्य का केंद्र बिंदु था मौर्य साम्राज्य में। तो इस तरीके के आपके ये प्रश्न बन सकते थे इंपॉर्टेंट। उसके बाद इसमें दुर्ग क्या होते थे, सेतु क्या होते थे, सीता क्या होते थे, और हिरण्य क्या था, क्योंकि हिरण्य एक नगद राजस्व होता था। सीता पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है, UPSSC ने भी पूछा, UPSC ने भी पूछा है कि सीता एक तरीके से क्या था, तो एक तरीके से जो राजकीय भूमि होती थी, मतलब जो प्रशासन, जो राजा के अंडर में जो भूमि आती थी उससे जो कर मिलता था उसको हम सीता बोलते थे। और बाकी जो दुर्ग होता था वो नगरों से प्राप्त आई थी, यही प्रश्न है। बाकी जो अर्थव्यवस्था से संबंधित है हम बाकी देख लेंगे कि इनकी जो मुद्रा, मौर्य साम्राज्य की जो प्रमुख मुद्रा थी वो क्या थी, पण थी। अगर देखा जाए तो पण था क्या, पण चांदी का सिक्का होता था जिसको पण कहते थे। कर्षासण क्या होता था, ऐसे इसी तरीके से आपसे पूछ सकते हैं, कर्षासण क्या होता था, वो भी चांदी का सिक्का होता था जिसे पण कहते थे, और ये इनकी जो थी राजकीय मुद्रा थी। और आपसे पूछ सकते हैं काकड़ी या स्वर्णपात क्या होते थे, ये भी तो पूछ सकते हैं, तो स्वर्णपात सोने का सिक्का होता था और आपका काकड़ी तांबे का सिक्का होता था। और इनपे ये भी तो पूछ सकते हैं कि सिक्कों पे क्या क्या छपा हुआ मिलता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में हमने वहां पे मोहरे देखी थी इस तरीके से। यहाँ ये भी तो पूछ सकते हैं कि सिक्कों पे क्या क्या छपा हुआ हो सकता था, तो यहाँ पे अर्धचंद्राकार आकृतियां मिलती थी, मयूर मिलता था, मयूर यानी कि मोर, पर्वतों की आकृतियां मिलती थी, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मिलती थी। तो
तो मौर्य काल से और महाजनपद काल से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, जितने भी मुख्य प्रश्न हो सकते थे, वो सारे हमने देखे जो पिछले 10 वर्षों में पूछे गए। कुछ प्रश्न हो सकता है छोटे भी हो, लेकिन लगभग लगभग हमने कंप्लीट उनको जो है यहाँ पे चर्चा की। और भी प्रश्न बन सकते हैं जो पिछले लेक्चर में हमने उनको कवर कर लिया था, उन पर हमने ज्यादा चर्चा नहीं की है। तो लगभग लगभग इस तरीके से यहाँ से इस सिर्फ इतने से टॉपिक से पिछले 10 वर्षों में 50 से 60 प्रश्न सिर्फ यहीं से पूछे जा चुके हैं। तो हम सारे उन्हीं प्रश्नों को कवर करते आ रहे हैं जो पीछे पूछे हैं, और उन्हीं आयामों पर ज्यादा चर्चा कर रहे हैं जिन पे ज्यादा प्रश्न बन रहे हैं। तो ये सीरीज आगे ऐसे ही चलते रहेगी। उसके बाद हम देखेंगे मौर्योत्तर काल, और उसके बाद सीधा गुप्त काल, उसके बाद हम मध्यकालीन भारत की ओर चलेंगे। आपका इतना कीमती समय मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।